हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई नो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं बैक टू बैक यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी, जो कि मैंने काफ़ी अच्छा कर रही थी मैं, बट स्टिल मैं 4 वीक से आई थिंक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है। उसका रीज़न ये था कि मैं रील्स में इंस्टाग्राम में कुछ ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। ऑल दो ये भी एक तरह का एक्सक्यूज़ है। का जवाब तो कर ही लिया, बट यू नो यूट्यूब जो ब्लॉग में सरोजनी ब्लॉग मैं सोच रही थी वो मैं नहीं कर पाई। तो इतना भीड़ था कि कैमरा फोन निकालना तो बहुत दूर की बात है, मतलब कब कौन छीन के लेके चले जाए, कब इतनी भीड़, मतलब आप जस्ट एकदम सट सट के एकदम ऐसे से ऐसे ऐसी कोई भीड़ थी, सब आस पास में ही खड़े थे, इतनी भीड़। खैर जो भी हो, तो मैंने काफी अच्छी सारी शॉपिंग की है आज। मैं आपको आप सोच रही होगी कि मैं क्या मैं वहाँ से सूट खरीद के लेके नो सूट खरीद के नहीं लेके आई, मैंने अभी जैसे इंस्टाग्राम पे रील शूट की थी कि मैं इतनी भीड़ थी, इतना शॉपिंग करके मैं थक गई थी, मैं बीमारी पड़ गई थी ऑलमोस्ट, तो 2 दिन हो गया मैं से बैठ गई हूँ, मेरे को बहुत तेज बुखार थी, उसकी वजह से कोई रील भी नहीं डाल पा रही, मैं कुछ बाहर जाकर शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड तो मैंने सोचा लगती मैं कोई रील शूट कर पाती हूँ कि नहीं, तो मैंने अभी की है, आई डोंट नो मैं उसे क्या वो एडिक्ट होकर जैसा मैं चाहती हूँ एक्जैक्टली वैसा होगा, मैं उसे अपलोड करूँगी नहीं करूँगी मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा कि एटलीस्ट सरोजनी हॉल तो कर ही लेते हैं, दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आई थी, क्योंकि मैं बहुत अमेजिंग शख्स लेके आई हूँ, उनको मैं अभी ट्राई ऑन नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि मैं सब रील में उसको स्टाइल करूँगी, तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें कि मैं कैसे कैसे उनको स्टाइल करूँगी। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स के जरिए मैं आपको ना एक आइडिया दे दूंगी कि इनको किस तरीके से स्टाइल किया जा सकता है, राइट, एंड फ्यूचर में मे बी मैं यूट्यूब में भी डालू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बाय द वे कल मेरी मम्मी ने सबको धो दिया था, तो ये ऑलरेडी अभी गीले हैं, तो मैं वैसे भी ट्राई ऑन नहीं कर सकती क्योंकि हाफ पूरी तरह से ड्राई हुआ नहीं है, इतनी अच्छे से धूप भी नहीं निकल रही है। खैर जो भी हो, तो फर्स्ट जो मेरे हाथ में है वो है ये वेस्ट स्वेटर हाफ, जो आपने देखा होगा इस तरीके का भी, मतलब काफी ये जो एम्ब्रॉयडरी टाइप का है ये बहुत ही ज्यादा विंटेज काइंड ऑफ यू नो विंटेज स्टाइलिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंड बहुत ही प्यारा कलर है इसका, जो ये व्हाइट एंड ब्लू में जो भी एम्ब्रॉयडरी किया है सब एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। इवन मैंने ऑनलाइन इस टाइप की स्वेटर्स देखी, बहुत महंगी आती हैं यार, लेकिन ये मुझे आई थिंक ये मैंने मैंने ये 150 रुपये में खरीदी, एंड वो जो थड़ी लग रही थी उसमें से नहीं, मैंने नॉर्मल शॉप से ही खरीदी, क्योंकि मैंने 2 परचेज करी थी इसलिए हमने ऐसे बार्गिन करते करते करते, एंड उस दिन मैच भी था तो उस शॉपकीपर्स का ध्यान भी ज़्यादातर मैच में ही था, तो उनको लग रहा है कि ये जो भी आ रहा है निकले, तो वैसा था। तो मैं ये 150 रुपये में लेके आई, जो कि बहुत ही क्यूट है, एंड ये पहन के बहुत ही प्यारा लगता है, एंड मैं इसको डेफिनेटली स्टाइल करने वाली हूँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बहुत ही प्यारा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है ऐसा भी, एंड ये जो सरोजनी की यूज्ड माल होता है ना, मतलब मतलब जो कपड़े होते हैं वो है नहीं है, एकदम ना ओरिजिनल मतलब विदाउट यूज्ड ही लग रहा है, एंड बहुत ही प्यारा है, एंड काफ़ी अच्छा ही ना, जो आपने काफ़ी थ्रिफ्टी ना पेजेस देखे होंगे इंस्टाग्राम में उस टाइप के, वहाँ पर इस तरीके की ना स्वेटर सेल करते हैं, एंड आई डोंट नो उनका प्राइस क्या होता है, बट ये मुझको 150 रुपये में मिला, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, और मेरे को बहुत ही प्यारा लगा ये स्वेटर। तो मैं बोल रही थी कि ना एक ही शॉप से हमने 2 ऐसे हाफ स्वेटर्स खरीदे थे, एंड 150 में सेकेंड वाला ये है। सी ये जो सी हाफ स्वेटर होना आपको सरोजनी में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यू नो जो पैटर्न एंड जो कलर एंड जो ये सब कुछ होता है ना, ये मतलब लगना चाहिए कि ना आप ब्रांडेड पहने, एंड बहुत ही यू नो किसी को लगे ना कि सरोजनी से पहना है, आई मीन लगे यार H&M या किसी अच्छे यू नो ब्रांड का पहना हो, उस तरीके का पूरा कलर कॉम्बो है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है बाय द वे, एंड मेरे को ये भी बहुत प्यारा लगा, ये स्टाइल करके बहुत अच्छा लगा, इसके अंदर स्वेटर या फिर वाइट आप जो फुल स्लीव्स यू नो जो विंटर्स में पहनने वाले जो टॉप होते हैं हाईनेक वाले, वो बहुत ही अमेजिंग लगने वाले हैं इस पर, एंड मेरे को बहुत प्यारा लगा इसका कलर। सी आई लव दिस कलर बाय द वे, मतलब ये जो ब्लू है, ये ब्लू कलर जो होता है नॉर्मली यू नो हाई एंड जो क्लोथ्स होते हैं उन्हीं में ये कलर मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होते हैं, ऐसे यू नो नॉर्मल हर किसी ब्रांड में ये कलर मिलते नहीं है, सो बिकॉज ऑफ द कलर एंड ऑब्वियसली मुझे ऐसा तो स्वेटर्स चाहिए ही था, क्योंकि स्वेटर्स को आप पहन के बहुत ही अमेजिंग ना बहुत अच्छे लगते हो, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत अच्छा ना फिलहाल जो ठंड चल रहा है उसके लिए परफेक्ट है। इवन इसको ऐसे आप ना अंदर पहन के ऊपर ना वो कोट वगैरह पहन के भी बहुत अमेजिंग ऐसा स्टाइल हो जाता है। सी मैं बोल भी नहीं पा रही, मेरे को भी ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगी है, एंड बहुत ही तबीयत ख़राब है, एंड इसके बाद
नहीं मैं यहाँ पे खड़े खड़े होकर कर रही हूँ, मेरे बेड पे वहाँ पे सारे कपड़े पड़े हैं। रीज़न अभी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है, रिंग लाइट पसंद नहीं है मेरे को, तो जितना भी लाइटिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंगली मैं शूट कर रही हूँ। एंड ये है मफलर जो मैं लेके आई हूँ, ये कलर की वजह से मैं लेके आई हूँ, अदरवाइज क्वालिटी भी मुझे इसकी डिसेंट ही लगी, अच्छी है एंड ये गर्म भी है। बहुत सारे थे बट मैं सोची कि नहीं, आई मीन एक मैं थोड़ा दूसरा मंगाना चाहूँगी अच्छा, बट ये भी मेरे को बहुत ही प्यारा लगा, इसको काफ़ी तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। एंड थर्ड में मफलर्स खाम आते हैं, काफ़ी अच्छे लगने वाले हैं। एंड ये स्वेटर्स एंड जैकेट सबके साथ बहुत अमेजिंग लगा। इसका कलर सी, ये कलर भी काफ़ी यू नो हाई एंड क्लोथ्स में पाए जाते हैं, मतलब ये जो कलर्स है ना जो मैं कलर्स लेके आई हूँ, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है ना कि इन ये कलर्स में ना कुछ कुछ ब्रांड्स इन कलर्स की वजह से ही फेमस हैं। सो कलर जो आपको इतने सस्ते में, आई मीन मैंने प्राइस बताया ना इसका, ये आई थिंक ये 100 रुपीज़ का है, 100 या 150, आई मीन 100 या 150 इन दोनों में से किसी एक का है। एंड सी 100 रुपीज़ में या 150 रुपये में नहीं मिलेगा ये भी, सो आई लव दिस एंड मेरे को ये बहुत प्यारा लगा। एंड देन ओके, सो मैं स्कर्ट्स काफ़ी लेके आई हूँ क्योंकि मैं आपको आइडिया दे दूँगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं रील्स में ना काफ़ी नो स्कर्ट का जो विंटर आउटफिट इंस्पो जो होता है उस टाइप का करने वाली हूँ। सो मेरे पास ऑलरेडी 2 स्कर्ट है वुलन के, एंड तो मेरे को ग्रे कलर का चाहिए था, तो मैंने ग्रे, ये तो पूरा ऑलमोस्ट गीला है गाइस, क्या जो भी हो, एंड ये ग्रे कलर का है, सी ये भी बहुत प्यारा है, आई थिंक ये भी 200 का है। एंड इसकी फिटिंग्स बहुत प्यारी है, बहुत अमेजिंग है। एंड ऑब्वियसली आपने इस टाइप के स्कर्ट सरोजनी में नॉर्मली मिल ही जाते हैं, लास्ट ईयर भी थे, इस ईयर इस टाइम पे भी बहुत है, बट यू नो वहाँ पे कुछ कुछ ख़राब भी होते हैं, सो मेक श्योर कि आप अगर आप शॉप करो तो थोड़ा ध्यान से करो, नहीं मेरा तो पूरा परफेक्ट है, न्यू है एकदम, सच बताऊँ तो। एंड बहुत ही अमेजिंग है, इसकी फिटिंग्स बहुत प्यारी आई है, आई होप मैं आपको ट्राई ऑन दिखा पाती है अभी, बट यू नो ऑलरेडी लेट हो गया एंड लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद ट्राई ऑन सिर्फ करके दिखाऊँ, राइट। सो या कलर वाला सब बहुत ही प्यारा है। एंड ये स्कर्ट्स मैं ऑलरेडी पिछले साल सोचने से लेके आई थी, तो मुझे पता है इनकी फिटिंग्स अच्छी है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, एंड ये काफ़ी तरीके से स्टाइल किए जा सकते हैं, सो इसीलिए। एंड कार्डिगन्स तो मीन्स आप यू नो विंटर्स में जितने हो उतने कम लगते हैं, तो मेरे पास इस कलर का ऑलरेडी कार्डिगन है बाय द वे, बट स्टिल मैं वापस से लेके आ रही हूँ कि मुझे 150 रुपये में मिल रहा था। एंड इसका सारा मतलब क्योंकि काफ़ी न्यू लग रहा था, एंड सब मेरे पास इस कलर का है, बट ये ऐसा एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये बहुत ही अच्छा यू नो बहुत ही सुंदर लगता है ये एम्ब्रॉयडरी। आई मीन मैंने कहा ना इंस्टाग्राम के ऐसे कुछ कुछ पेजेस हैं जिन पे मैंने इस तरह एम्ब्रॉयड्रीड स्वेटर्स देखे हैं जो कि काफ़ी महंगे मिलते हैं, एंड ये वहाँ पे 150 में था, तो मेरे अपने आपको रोक नहीं पाई, मैं सोची कि यार इट्स ओके फाइन ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। एंड इसकी फिटिंग्स वगैरह बहुत ही प्यारी है, काफ़ी यू नो एग्जैक्टली मतलब बहुत ही हाई एंड लग रहा है, सर बताऊँ रियल में, ऐसा नहीं है कि ना मतलब सोचनी है तो लगेगा यार ऐसे सस्ता सा होगा, नहीं जो भी है जितने भी प्रोडक्ट्स लेके आए सब रियल में कोई देख आप पहनो तो बोल भी नहीं सकता कि आप सोच नहीं है 150 या 200 रुपये का ही होगा, देख के लग रहा है कि ओ माय गॉड काफ़ी हाई एंड प्रोडक्ट है। एंड ऑब्वियसली आप जब रास्ते पे चल रहे हो तो चिपका के तो घूमोगे नहीं कि नो मैंने सोचने से लिया या 150 लेनी है 200 लिया है, एंड ऑफ द डे आपको अच्छा लगना ज़रूरी होता है। एंड या सो वो मैटर करता है अगर आप कम पैसे में अच्छे लग सकते हो एंड अपना यू नो स्टाइलिंग जो है जो क्या कहते हैं उसको यार जो भी हो अच्छी लग सकते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो या ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड बहुत ही क्यूट है, एंड इसका कलर एज आई सेड सारे कलर्स बहुत ही प्यारे हैं। सी जितने भी मैं कपड़े लेके आई ना कलर्स सिर्फ कलर्स के लिए आई डोंट नो मतलब ये कलर्स के इन कलर्स की वजह से ये जो कलर हैं ये कलर मैंने एज आई सेड बहुत सारे ब्रांड इन कलर्स की वजह से ही फेमस है, जो इनका ना पैटर्न होता है या फिर जो कलर मिक्स करते हैं जो ये सब बहुत ही यूनिक कलर्स होते हैं इसकी वजह से। एंड या आई लव दिस एंड ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। एंड एक और कार्डिगन में लेके आई हूँ सी अगेन कलर, एंड ये भी बहुत ही प्यारा स्वेटर है, एंड मेरे पार्टनर को मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छा लगा, वो सबसे अच्छा यही है पता नहीं क्यों लेकिन मेरे उनको बहुत अच्छा लगा। एंड इसी इनका ये जो चेक चेक एंड इसका भी जितने भी कलर पैटर्न जो इन्होंने कॉम्बो में किया है मस्त है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, एंड ये भी बहुत अच्छा लगने वाला है बाय द वे। आई मीन कौन बोल देगा कि यार ये 150 या 200 रुपये का है, लेकिन मेरा 200 का होगा मैक्सिमम, सही कोई भी कपड़ा 200 रुपये के ऊपर तो वैसे भी नहीं है, अगर है एक ही दिखे जो मैं बता दूंगी। लेकिन ये सब बहुत अच्छा है। एंड मैंने इस बार क्या है ना कि वो जो हैंगर्स 150-200 के लगे रहते हैं उनमें से मैंने ये शॉप नहीं किया क्योंकि
मुझे वैसा कुछ मिला भी नहीं सच बताऊँ तो ये सारे जो मेरे इस बार की जो शॉपिंग है वो मैंने शॉप से ही की है, जो नॉर्मल दुकान होती है ना सरोजनी में उनके अंदर से की है, वहाँ पर भी बार्गेन्स होती है बाय द वे। एंड बार्गेनिंग में मैं उतनी अच्छी तो हूँ नहीं, बट इट जस्ट मेरा लक अच्छा था, लक अच्छा था कि इंडिया का मैच चल रहा था एंड सबको वर्ल्ड कप देख रहे थे एंड किसी शॉपकीपर्स को सच बताओ इतना इंटरेस्ट नहीं था कि वो ना ज़्यादा बार्गेनिंग करें या फिर जो भी आ रहा है बोले हाँ जो बोल रहा है वो दे रहे थे। सो या तो इसकी वजह से भी आई थिंक मैं काफ़ी अच्छा जीत गई व्हाटएवर। सो या ये भी सी आप देख ही सकते हो, मैं क्या ही बताऊँ कि ये कितना अच्छा है कितना नहीं है, इट जस्ट कि ये पहन के कितना सुंदर लगने वाला है ये आप सोच रहे होगे कि आई ट्राई ऑन हो जाता तो अच्छा होता। सी अभी मैं डेफिनेटली आई थिंक मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई ऑन करूँगी, अदरवाइज एज आई सेड प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं पक्का इन सबको अलग अलग तरीके से स्टाइल करने वाली हूँ, पहनने वाली हूँ, तो आपको पता चल जाएगा ये कैसा लगने वाला है राइट। एंड हाँ एक और स्कर्ट एंड बाय द वे गाइस ये ज़ारा का है एंड ये ऐसा नहीं है कि ज़ारा का वहाँ पे ऐसे ही फेक वाला करा, ये रियल ज़ारा का है एंड सी एंड ये आपने ज़ारा में आई होप देखा होगा स्कर्ट एंड इस टाइप का जो है ना क्रॉशेट टाइप का ऐसे ना थोड़ा ऐसे रहता है ये एंड ऑब्वियस इसके अंदर इसके अंदर लाइनिंग भी है तो इसीलिए एंड ये कलर ऑब्वियसली मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कलर बिकॉज आप लोगों को दिख ही रहा होगा कलर कितने प्यारे हैं एंड इसका फिटिंग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। इट जस्ट कि मुझे लग रहा है कि इसका जो वेस्ट साइड है जो यहाँ पे ये ढीला है सो ये आई थिंक यूज है मे बी बाय द वे मैंने सबको अच्छे से मैंने से धुलवा लिया है तो इट्स ओके कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड या बट इसका जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा बिकॉज मेसी मैंने अभी खुद भी एक भी पहन के देखा नहीं है, मेरी सिस्टर ने ऑलरेडी सबको कर लिया है बट मेरा बहुत तबीयत ख़राब था तो अभी तक तो मैंने अभी तक किसी को नहीं ट्राई किया है बट या उसने ट्राई किया तो मैंने देखा था सब बहुत अमेजिंग लग रहा है तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कि इतना वेस्ट तो ना उसका है ना मेरा है एंड लेट्स सी इसका क्या कर सकते हैं, या तो इसके अंदर वो ऑलरेडी रबर इलास्टिक दिला सकते हैं या फिर मेरे हस्बैंड ने एक आइडिया दिया है कि यहाँ से छेद करके ऐसे जो ना ऐसे बांधने वाला गला तो फिर वो टाइट हो जाएगा एंड आप अपने हिसाब से पहन सकते हो। सो या ये बहुत ही प्यारा है एंड बहुत ही अमेजिंग है एंड यस आई लव दिस बहुत ही प्यारा एंड आई थिंक इसको इसका अभी मैं अच्छा ये ग्रे एंड ये स्कर्ट हम एक सेम शॉप से लिया था सेम 150-150 रुपये में, वाओ क्या बताऊँ मैं। एंड अगेन स्कर्ट मैंने स्कर्ट ही लेके आई हूँ, मेरे को बहुत मैंने कहा इस विंटर में स्कर्ट ज़्यादा पहनने वाली हूँ एंड या क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से मन था कि ना मैं इस बार ना विंटर्स में ना स्कर्ट की ज़्यादा ना मतलब ये स्कर्ट एंड स्पोर्ट जो विंटर आउटफिट्स होते हैं ना वो ज़्यादा करूँ। सो एक है डेनिम में मैं लेके आई, सी गाइस ये तो बहुत ही अमेजिंग है, आई मीन इसकी क्वालिटी आई होप आपको दिख रही होगी कितनी अमेजिंग है। डेनिम के स्कर्ट आई डोंट थिंक 1500 में भी कोई नहीं देता यार, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, बट इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, मतलब इतनी प्यारी क्वालिटी, इतनी इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है एंड ये बहुत अच्छा है, मिड लेंथ तक है जो कि मुझे चाहिए एंड या बटम्स एंड आपको दिख ही रहा होगा सब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड मेरे को डेनिम स्कर्ट चाहिए था, ऑल्दो मैं ऑनलाइन देख लूँगी क्योंकि मैं जिस तरीके का मेरे को चाहिए था वहाँ पर मुझे मिला नहीं, बट मेरे को ये भी बहुत प्यारा लगा एंड इसका जो प्राइस था वो 300 उन्होंने वैसे तो 550 बोला था, 350 मैंने इसका दिया है एंड ये बहुत ही अमेजिंग था। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से लेके आई, सी वहाँ पे सरोजनी में कोई यू नो शॉप नंबर लिखा नहीं रहता, आपको यू नो शॉपकीपर से पूछना पड़ता है कि आपकी शॉप नंबर क्या है एंड आई डोंट थिंक अगर मैं बताऊंगी भी तो आप शॉप से पूछते वो करो कि को आपकी शॉप का नंबर कितना है, बट 198 एक शॉप नंबर था जहाँ से मैंने मैक्सिमम शॉपिंग करी है, मीन्स वो हाफ स्वेटर्स एंड उसके बाहर ही जस्ट लगती है, तो वहाँ से मैंने दो स्कर्ट लिए एंड जो कार्डिगन्स था उसके आस पास ही की दुकान थी आई गेस, तो यहाँ मैक्सिमम शॉपिंग मेरी वहीं से हुई है। और हाँ एक और चीज़, गेट नंबर 1 से सब बोलते हैं एंटर करो, सी गेट नंबर 1 के पास बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इतने कुछ खास कलेक्शन मेरे को आई थिंक नहीं लगे, मेरे हिसाब से आप गेट नंबर जो 1 है फिर 2-3 हम लास्ट में जाते हैं उस साइड से अगर आप एंटर करोगे तो उधर ज़्यादा अच्छी शॉप है, इवन वो ठेले नहीं है कम लेकिन वहाँ पे कलेक्शन ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो आप चेक कर लेना लेकिन मुझे ऐसा लगा ऐसा फील हुआ। गेट नंबर 3 से अगर आप एंटर करोगे तो आपको कलेक्शन ज़्यादा अच्छी एंड गुड क्वालिटी के मिलेंगे, यूज्ड कपड़े कम मिलेंगे मेरे हिसाब से।
सो या लेंस कट मुझको मिल गया, वो भी 350 में है, और क्या चाहिए. एंड सी लेदर पैंट किसको नहीं चाहिए. एंड बाय द वे मैं आई डोंट नो, मैंने बहुत देर तक सोचा लेकिन फिर मैंने सोचा ले ही लेती हूँ यार. ऑब्वियसली आई थिंक ये थ्रिफ्ट है, यूज्ड है, क्योंकि लेदर जो पैंट है वो तो 300 में कॉल ही देगा. राइट, सो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी. ये जो ब्रांड है प्रिटी लिटिल थिंग, ओके प्रिटी लिटिल थिंग मे बी, आई डोंट नो कौन सा ब्रांड है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ये एक्चुअल लेदर की जैसी है, सच बताऊँ तो. ऐसा नहीं है कि जो प्लास्टिक की या फिर जो सिलिकॉन कौन सा वो जो लेदर होता है वो नहीं है. सिलिकॉन कौन कौन से लेदर होते हैं या जो फेक लेदर्स होते हैं वो नहीं है. एंड इसकी फिटिंग मेरी सिस्टर को काफ़ी अच्छी थी, मैंने ट्राई ऑन फिलहाल नहीं किया है, बट मुझे लेदर पैंट चाहिए थी. एंड लेदर जी पैंट यार 2500 के नीचे नहीं आती है ना, इतना सिर्फ विंटर के लिए एक प्रोडक्ट पे मैं तो इन्वेस्ट फिलहाल नहीं करना चाहती आगे का, आई डोंट नो. बट या मेरे को लेदर पैंट चाहिए थी, मुझको मिल गई 300 रुपये में, और क्या चाहिए. फिर सरोजनी में कुछ भी पॉसिबल है, इट जस्ट आई थिंक भीड़ कम होती तो मैं पता नहीं और क्या क्या अच्छा अच्छा चीज़ निकाल लेती है एंड ले आती. सो सरोजनी में काफ़ी ख़राब चीज़ें भी हैं मैक्सिमम, सच बताऊँ तो, बट बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप नो सिर्फ हाई एंड ब्रांड में एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको सरोजनी में मिल जाएगा. ज़रूरी नहीं है सिर्फ यूज्ड ही है, अनयूज्ड कपड़े भी होते हैं वहाँ पे, बट आपको बहुत ही यू नो अच्छे से शॉपिंग करनी पड़ती है. हो सके तो आप ऐसे इंसान को साथ में लेके जाओ जो ना शॉपिंग में अच्छा हो, जो चीज़ें को पहचानने में अच्छा हो. तो मैं मेरी सिस्टर ही हमेशा सरोजनी में शॉपिंग में जाते हैं, क्योंकि हम दोनों की वाइब मैच करती है, हम दोनों की चॉइस मैच करती है, तो हम समझ जाते हैं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है. ओके तो आंटी आ गए थे ऐसे, मैंने बालकनी खोल के यहाँ पर शूट कर रही हो एंड सामने वाली आंटी, हमारा ना बालकनी ना सेम ही है, तो यार मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई दिखता है मेरे को. मैं तो छुप छुप के अपना वीडियो शूट करती हूँ, वैसे मैं बहुत ही यू नो वैसे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ. आई मीन ऑल द मैं इंट्रोवर्ट वीडियोज़ नहीं बनाती, बट स्टिल मैं नहीं हूँ कॉन्फिडेंट लोगों के सामने, खैर जो भी हो. तो एज अ सेट सब मेरे रील्स काफ़ी अच्छी वर्क करती है सोचने वाली इंस्टा पे, तो लोग कहते हैं कि सोचने में आधे खराब माल ही होते हैं. ट्रू, सही बोल रहे हैं, खराब ही होते हैं काफ़ी, तो ऐसे होते हैं आप देखना भी नहीं चाहोगे, बट वहाँ पे आपको इस तरीके के भी मिल जाते हैं, इवन इससे बेटर भी मिल जाता है. सिर्फ बताऊँ मुझे तो इतनी भीड़ थी, आई थिंक मैं इससे भी अच्छा कुछ ले आती हूँ. एंड नेक्स्ट वापस हो जाइए. तो यार इतना कुछ हो गया ना विंटर के लिए कि मम्मी मुझे मारेगी कि इतना क्या शॉप करना, बट स्टिल आई थिंक मैं एक और चक्कर तो पक्का काट दूँगी विंटर के लिए. बट या सो एज ऑफ नाउ आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा, जो कलेक्शन भी मैं जो सोचे से जो भी मैंने परचेज़ किया है. एंड आप इनको देखना चाहते हो कि मैं इनको कैसे स्टाइल करूँगी, प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड मे बी मैं यूट्यूब में भी अपलोड करूँ. सो या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय.